हेलो बच्चों, कैसे हो? जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हमारा पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए भरा पड़ा है, लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। बहुत ज़्यादा बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको हिंदी माध्यम का सही तरीके से कंटेंट अवेलेबल चारों तरफ नहीं मिल पाता है यूट्यूब पर खास तौर से। तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम में प्योर एकदम लेके आ गया हूँ अपना कंटेंट। ठीक, आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 भौतिक विज्ञान चैप्टर का नाम, पाठ का नाम प्रत्यास्थता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो भी आपके इर्द गिर्द में जानने वाले बच्चे हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चार लोगों से करवाइए, आपको फायदा मिलेगा, आप अपने एग्जाम में सफल होंगे और जिसको आप बताएंगे वो आपको दुआ देगा, है कि नहीं? चलो, और अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग फिजिक्स या रिगार्डिंग एनी अदर एग्जाम्स, तो आप जो संपर्क सूत्र के लिए दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपने मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं। नंबर कुछ यूं है, 700-76-70037। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप अवश्य ही, और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, हिंदी माध्यम के आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं या छात्राएं हैं, तो आप क्या करें, इस चैनल को अवश्य 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 सब्सक्राइब करें। आपको हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग लेवल तक का कंटेंट मैं अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग अधिक मात्रा में प्यार बनाएंगे, प्यार दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं, आज इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो बेटा, आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्या क्या, ये आपके सामने कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि विषय परिचय, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, दूसरा विरूपक बल जिसे इंग्लिश में डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, तीसरा दृढ़ वस्तु अंग्रेजी में रिजिड बॉडी, चौथा प्रत्यास्थता की परिभाषा यानी डिफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बाद प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, विकृति यानी कि स्ट्रेन, हुक का नियम हुक्स लॉ, प्रत्यास्थता नियतांक यानी इलास्टिक कांस्टेंट, ये सारे टॉपिक आज के इस क्लास में कवर किए जाएंगे सिंपल और साधारण और आपकी भाषा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन समझते हैं हम लोग, क्या है इंट्रोडक्शन में भाई, क्या क्या होता है, यानी कि परिचय किसी भी चीज़ का बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। तो बेटा, इस चैप्टर में हम लोग इस ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ पर वस्तु पर बल लगा के हटा लिया जाए और वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर एक स्प्रिंग है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, ये स्प्रिंग है ना, और इस स्प्रिंग को यहाँ से हमने क्या कर दिया मान लो, या इस तरफ से हमने एकदम टाइटली फिक्स कर दिया, यहाँ पर कोई सपोर्ट लगा दी, यहाँ पर भी हमने कोई सपोर्ट लगा दी, कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। और इस एंड पर हमने क्या किया कि नीचे की तरफ बल लगाया। जब इस स्प्रिंग पर बेटा नीचे की तरफ आप बल लगाओगे इस डायरेक्शन में, यार टेढ़ा क्यों हो रहा है, वो ये टेढ़ा जा रहा है, हाँ अब सही है, इस डायरेक्शन में अगर हम बल लगाते हैं तो ये है हमारा बाह्य बल। इस बल को क्या बोलेंगे बच्चे? बाह्य बल। ठीक है ना, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो एक्सटर्नल फोर्स, अंग्रेजी में बोले तो ये कौन सा फोर्स है बच्चा, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स इस स्प्रिंग पर लगाएंगे तो स्प्रिंग का जो आकार है वो बढ़ जाएगा, यानी इनकी जो गैपिंग है ये कहीं ना कहीं खिंच जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे हो जाएगा, मान लो इतना खिंच गया स्प्रिंग। लेकिन जैसे ही इस बाह्य बल को हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो हटा दिया जाने पर क्या करेगा, हटा दिया जाए तो हटा दिया जाने पर ये स्प्रिंग पुनः अपने इसी शेप में आ जाएगा जैसा कि वो दिख रहा है। ठीक, तो इसी चीज को हम बोलेंगे प्रत्यास्थता। बात समझ में आ गई, यानी कि अगर किसी भी स्प्रिंग या रबड़ को एक सिरे को हम बांध दें और दूसरे सिरे पर बल लगाकर खींचें तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, परंतु जैसे ही हम बल को हटा लेते हैं ठीक वैसे ही वह अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अनेकों वस्तुएं हैं जिनमें ये गुण देखने को मिलता है। जैसे कि बच्चों, ये आपके सामने गुब्बारा है, बलून है, अगर इस किसी एक बलून को हम उठा के यहाँ पर रख दें और इस बलून पर हम बाह्य बल लगाएं तो बाह्य बल लगाने से इसका आकार मान लो ऐसे बदल गया, ये यहाँ पर थोड़ा गड्ढा हो गया, लेकिन जैसे ही इस बल को हम यहाँ से हटा लेंगे, हटाते ही क्या हो जाएगा कि ये स्प्रिंग, ये हमारा गुब्बारा पुनः अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थता कहलाएगा। ठीक है, तो परिचय आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं बच्चे अगला हेडिंग पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विरूपक बल। क्या कहते हैं बच्चों? विरूपक बल कहते हैं। ठीक है ना, अब विरूपक बल क्या है ये समझते हैं। अब जैसा कि मान लिया जाए कि ये हमारा एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से ये हमारा एक स्प्रिंग लगा हुआ है और इसकी जो कुल लंबाई है मान लो बेटा कैपिटल एल है।
लेकिन हमने किया क्या कि इस सिरे पर एक बल लगाया, ठीक, बाह्य बल। जब ये बाह्य बल एफ एक्सटर्नल ई एक्स बाह्य बल एफ ई एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको लगाने की वजह से क्या हुआ कि स्प्रिंग हमारा खींच गया, खींच के इतना हो गया, यानी लंबाई में परिवर्तन कितनी हो गई, मान लो एल डैश लंबाई बढ़ गया। तो ये जो बल है एक्सटर्नल फोर्स जो स्प्रिंग के लंबाई को परिवर्तित कर रहा है, यानी उसके आकार को बदल रहा है, इसी बल को हम लोग विरूपक बल कहेंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चे, विरूपक बल कहेंगे, ठीक है ना, विरूपक बल। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग का मतलब ही होता है आकार बदलने वाला, ठीक है ना। डिफॉर्मिंग फोर्स का क्या मतलब होता है, आकार बदल देने वाला बल, ठीक है, एकदम आसान भाषा में हम समझाएंगे आपको, आकार बदल देने वाला, आकार बदल देने वाला बल। तो आपको बड़ा आसान लगा होगा ये सुन के कि ये, अच्छा इतना आसान होता है, बिल्कुल सही सुना आपने, कि यदि किसी वस्तु पर हम बाह्य बल लगाते हैं और वो बल वस्तु के आकार को बदल दे या उसके शेप को यानी कि आकृति को बदल दे, समझ रहे हो ना, आकार और आकृति को बदल दे, तो उस बल को हम लोग विरूपक बल कहते हैं। समझ आ गया आपको क्या होता है विरूपक बल, यानी वह बल जो वस्तु के आकार को उसके आकृति को बदल दे उसे विरूपक बल कहते हैं। बात समझ आ गई, तो अगर आपको इसका परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हो कि आकार बदल देने वाला, ठीक, आकार लिख सकते हो, और आकार के अलावा आप और क्या लिख सकते हो, आकृति लिख सकते हो, आकार अथवा आकृति, आकृति को बदल देने वाला बल विरूपक बल कहलाता है। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी बालक को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। तो विरूपक बल अगर आपको बेटा समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं दृढ़ वस्तु की तरफ, रिजिड बॉडी की तरफ, कि रिजिड बॉडी हमारा क्या होता है। आओ अगले टॉपिक पर चलते हैं, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी जिसे कि हिंदी में हम लोग दृढ़ वस्तु कहते हैं, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ वस्तु कहते हैं। अब जैसे लोहा का टुकड़ा है, मान लो ये क्या है बेटा, मान लो कि ये एक हमारा लोहा का टुकड़ा है, ठीक है ना, ये एक हमारे सामने लोहा है। अब इस लोहे पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन से आप बल लगा रहे हो। अब बल लगाने के बाद हमने क्या देखा कि इसके आकार में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि आकार, ठीक, और आकृति। देखो आकार का मतलब होता है बेटा, देखो आकार का मतलब होता है साइज और आकृति का मतलब होता है शेप, यानी ना तो उसके आकृति में परिवर्तन हुआ, शेप में परिवर्तन हुआ, ना ही उसके साइज में परिवर्तन हुआ। किसके वजह से, ये जो आपने बाह्य बल लगाए हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं, इन बल के वजह से। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी बॉडी हो बेटा, कोई भी, जैसे ये हमारा एक बॉडी है मान लो, ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, ये छोटे छोटे ऐसे कणों से मिलकर बना होता है। जब कणों के बीच में कोई परिवर्तन ना हो, इनके बीच में कोई विस्थापन ना हो, समझ रहे हो, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जब इन कणों के बीच में कोई विस्थापन ना हो, क्या बोला मैंने, कणों के बीच में कोई परिवर्तन ना हो या कोई विस्थापन ना हो, कोई विस्थापन ना हो, तब बाह्य बल के कारण भी, तब बाह्य बल के कारण आकार या आकृति में परिवर्तन नहीं होता। बात समझ रहे हो, आकार या आकृति में परिवर्तन, बाकी लाइनें ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, परिवर्तन नहीं होता है, समझ रहे हो, नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे वस्तु को कि जब कणों के बीच में कोई विस्थापन ही ना हो, तो उस वजह से वस्तु का आकार या आकृति में परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे वस्तु को हम क्या कहेंगे, ऐसे वस्तु को हम लोग रिजिड बॉडी कहेंगे, यानी कि दृढ़ वस्तु कहेंगे। बोलो आपको समझ में आ गया ये क्या है, तो ये हमारा रिजिड बॉडी है। कोई दिक्कत है रिजिड बॉडी को समझने में, आपने कहा नहीं सर, एकदम मस्ती में समझ में आ गया और एक बार में समझ में आ गया कि रिजिड बॉडी क्या होता है। अब बेटा हम लोग रिजिड बॉडी के बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं, प्रत्यास्थता की परिभाषा क्या है।
ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रत्यास्थता की परिभाषा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, आओ तो अब हम चलते हैं बेटा प्रत्यास्थता की परिभाषा की तरफ। ठीक है, प्रत्यास्थता की परिभाषा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी। इसे क्या बोलेंगे बच्चवा, इसे बोलेंगे डिफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी अंग्रेजी में। प्रत्यास्थता की परिभाषा ये क्या है भाई, प्रत्यास्थता क्या होता है, यानी कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद उसके आकार में क्या होता है बच्चा, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। और जैसे ही हम वस्तु का बल हटा लेते हैं तो उस वजह से वस्तु अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाती है। इसी चीज को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। इसी चीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। आइए समझते हैं, अभी तक आप लोग हमारा चेहरा नहीं देखे थे, अब आप हमारा चेहरा भी देख लेंगे। देखिए ऐसा हमारे पास अभी कोई चीज है नहीं, वरना हम आपको दिखाते। कोशिश कि अगर कोई बॉडी हमने ले रखा है, कोई बलून ले रखा है, जब इसको दबाएंगे तो उसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बाह्य बल को हम हटा लेंगे वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएगा। इसी गुण को, वस्तु के इसी गुण को हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे लिखा जाए इस चीज को। ठीक है, आइए लिख के देखते हैं हम लोग। देखो बेटा कि वस्तु का वह गुण, ध्यान से, कि किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर से विरूपक बल हटा लेने पर वह वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आए। प्रारंभिक अवस्था में क्या करे, लौट आए वस्तु के इस गुण को। इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर से विरूपक बल हटा लेने पर वह वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, प्रत्यास्थता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि प्रत्यास्थता हमारा क्या है, कि नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि प्रत्यास्थता आपको समझ में आ गया। बेसिक इंफॉर्मेशन अभी मैं दे रहा हूं, अभी मैं बिल्कुल भी इसके डीप में नहीं जा रहा कि प्रत्यास्थता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रत्यास्थता की परिभाषा के बाद, कि प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस को समझना है अगर, तो ये भी हम आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से। प्रतिबल, आओ बेटा अब हम प्रतिबल पे बात कर लेते हैं। प्रतिबल को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में स्ट्रेस बोलते हैं। प्रतिबल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रतिबल को अंग्रेजी में बच्चों हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। अब समझना, आपने एक प्रतिबल समझना है आपको कि प्रतिबल यहां पर क्या है। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबल अगर आपको समझना है तो प्रतिबल एक तरीके का दाब की तरह होता है। क्या होता है? दाब की तरह होता है। समझिए ये चीज कि जैसे मान लो बेटा कि ये हमारा एक सिलेंडर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सिलेंडर है और ये इसमें लगा है पिस्टन। सिलेंडर के अंदर ये क्या लगा है, ये लगा है पिस्टन। और इस पिस्टन पर आप नीचे की तरफ क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो इस पूरे एरिया पर। और इस पिस्टन का एरिया कितना है, ए, जिसके वजह से ये पिस्टन हमारा नीचे की तरफ मूव करने लगा। अब मूव करते करते मान लो ये पिस्टन हमारा कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो आपका लगाया गया बल इस पूरे एरिया पर है, इस पूरे एरिया पर है, ठीक है ना। तो किसी वस्तु पर लंबवत लगाया गया बल, या कह लो एकांक क्षेत्रफल पर, ऐसे लिख लो,
एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, लगाया गया बल प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रतिबल कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। इसको देखो मैथमेटिकली हम बड़े अच्छे से आपको समझाते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल का मतलब एक मीटर स्क्वायर पर। तो मान लो कि एक मीटर स्क्वायर पर अगर हमारा बल 10 न्यूटन का लग रहा, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा प्रतिबल हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? प्रतिबल हो गया। अब बात आई कि फार्मूला कैसे लिखा जाए, इसका सूत्र कैसे लिखा जाए। तो इसका प्रतिबल का जो हमारा सूत्र होता है बेटा, वो होता है प्रतिबल। देखो प्रतिबल एक तरीके से प्रेशर जैसा होता है, इसको आप पी से ही डिनोट कर सकते हो। तो प्रतिबल बराबर फोर्स, फोर्स यानी कि लंबवत बल है ये, बल बटे में क्षेत्रफल, बल बटे में क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल का मतलब एरिया ए। ठीक है, तो प्रतिबल का हमारा फार्मूला क्या बना? पी बराबर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा प्रतिबल का फार्मूला हो गया। बेसिक एकदम अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत? यानी कि यहां पर अगर मान लिया जाए कि 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसका एरिया अगर हम दे दें कि 5 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो हमारा स्ट्रेस यानी कि यहां पर जो स्ट्रेस आएगा वो आ जाएगा बेटा 100 बटे 5, और डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेस है, यानी कि प्रतिबल है। क्लियर हो गया? इसमें कोई समस्या नहीं है? चल बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा अब अगला टॉपिक और है, इसके अलावा विकृति क्या होता है। ठीक है, और एक चीज मैं और बताऊंगा बेटा, एक चीज जो इसमें मेंशन नहीं है, प्रत्यानयन बल। ठीक है ना, तो प्रत्यानयन बल को भी जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपने विरूपक बल को जाना। प्रत्यानयन बल भी यहां पर एक बल होता है, ये भी समझ लो, उसके बाद हम लोग विकृति के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो एक जान लो प्रत्यानयन बल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बल को एक तरीके से रीस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक तरीके से ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग का मतलब क्या होता है? रीस्टोर करने वाला, उसको ओरिजिनल शेप और साइज में लाने वाला प्रत्यानयन बल। देखो बाबू, प्रत्यानयन बल क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये रिजिड सपोर्ट हो गया, और ये हमारा स्प्रिंग हो गया इतना। अब इस स्प्रिंग पर अगर नीचे की तरफ बल लगाएंगे, बाह्य बल, तो इस बल के वजह से स्प्रिंग का आकार हमारा बढ़ के मान लो यहाँ तक आ गया। ठीक है, इस बल के वजह से। तो देखो ये जो बल आपने लगाया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जो आपने फोर्स लगा के खींचा है, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, बाह्य बल है। ये क्या है बच्चा? एक्सटर्नल फोर्स है, बाह्य बल है। फोर्स लिखा है भैया, लो ई भी लिख दिया हमने, बाह्य बल है। लेकिन इस फोर्स के अगेंस्ट जो ऊपर की तरफ काम करने वाला बल होगा, जैसे ही इस बल को हम रिमूव करेंगे, तो इसके साथ साथ ऊपर की तरफ भी एक बल काम करता है जो इस स्प्रिंग को अपने प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयत्न करेगा। तो ये जो एफ डैश है, ये एफ डैश हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है। बात समझ में आ गई? यानी किसी भी वस्तु को उसके प्रारंभिक अवस्था में लाने वाला बल, ठीक, या बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने वाला बल रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो कि किसी वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक, कि किसी वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने वाला बल। दूसरा इसमें आप लिख सकते हो कि वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में
पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाने वाला बल, लाने वाला बल, ये हमारा बल क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है जो वस्तु के आकार को बदलने वाला है और ये वस्तु को पुनः अपने वापस आकार में लाने वाला है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। अब हम लोग अगले हेडिंग पे समझते हैं बच्चों, विकृति क्या होता है। विकृति अभी हम लोग केवल डिटेल्ड में नहीं पढ़ रहे, मैं बता दे रहा हूं। विकृति को हम लोग स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। स्ट्रेन हमारा क्या है ये समझते हैं। जैसे कि आपने देखा, मान लो कि ये हमारा एक रिजिड सपोर्ट था, ठीक, और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस सरफेस पर ये हमारा स्प्रिंग रखा हुआ है, इतने शेप का ये हमारी स्प्रिंग रखी हुई है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी यहां से लेके यहां तक की स्प्रिंग की लंबाई है बच्चा एल। ठीक, हुआ क्या कि इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, एक्सटर्नल फोर्स, और इस ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से स्प्रिंग की लंबाई हमारी बढ़ गई। ठीक, अब हमारी स्प्रिंग यहां तक हो गई, यानी इस इतना हमारा स्प्रिंग के लंबाई में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। आप इसको चाहे तो कैपिटल एल लिख लो, जो लंबाई बढ़ी इसको स्मॉल एल लिख लो। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो विकृति समझना क्या होता है? विकृति बराबर जो लंबाई में परिवर्तन हुआ वो डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लंबाई। ठीक है, तो यानी इसको हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन तथा उसके प्रारंभिक आकार के अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक है, समझो, यानी कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन परिवर्तन तथा प्रारंभिक प्रारंभिक आकार के अनुपात को अनुपात को विकृति कहते हैं। सिंपल भाषा यही है एकदम। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम लोग विकृति कहते हैं। ठीक, अब यहां पर विकृति जो है लंबाई के अनुदिश हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है बाबू? विकृति यहां पर किसके अनुरूप हो रहा है? लंबाई के लिए हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो समझो, तो यहां पर विकृति भी कई प्रकार के होता है। तो चित्रानुसार अगर हम बात करें, चित्रानुसार चित्र के अनुसार, तो चित्रानुसार जो हमारी यहां पर विकृति है बच्चा, ये लंबाई के अनुदिश है, तो ये विकृति हमारा हो जाएगा कि लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लंबाई। अब लंबाई में परिवर्तन हमारा है एल, ओरिजिनल लंबाई है एल, तो ये हमारा क्या आएगा? विकृति का यहां पर फार्मूला आएगा। अब चूंकि इसका मात्रक भी मीटर और इसका मात्रक भी मीटर, तो मीटर अपॉन मीटर कट गया, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है ना, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। जिसका कोई यूनिट नहीं होता उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी ये डायमेंशन लेस है, विमाहीन है, डायमेंशन लेस, समझ गए? डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चों? विमाहीन बोलते हैं। तो ये एक विमाहीन राशि है। विकृति भी हमारे कई तरह का होता है। यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन हुआ, कहीं पर क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, कहीं पर वॉल्यूम में परिवर्तन होगा, यानी कि आयतन में परिवर्तन होगा, तो उस हिसाब से हम लोग विकृति को अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अगर लंबाई में बेटा परिवर्तन हो रहा है तो इसको अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। वैसे ये जो विकृति आप देख रहे हो ये एक्चुअल में अनुदैर्ध्य विकृति है। कौन सी विकृति है? अनुदैर्ध्य। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य वाली विकृति है। बात समझ गए? ये कौन सी विकृति है? तो ये विकृति है बेटा अनुदैर्ध्य विकृति, लंबाई में परिवर्तन वाला है तो। ठीक है, बात समझ में आ गई? सारे विकृति के बारे में भी हम लोग, टाइप वाइप के बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। पहले बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जब बेसिक ओवरव्यू हो जाता है, यानी कि ये पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हमने एक ओवरव्यू दे दिया पूरा पूरा चैप्टर का धीरे धीरे करते करते, और जब पूरा ओवरव्यू आप ले लेते हो ना, तो उसके बाद आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक, अब देखो विकृति के बारे में आपको जानकारी मिल गया। अब होता है बेटा यहाँ पर हुक का नियम। क्या होता है? हुक का नियम। आइए अब हुक के नियम पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, तो ये एक साइंटिस्ट का नाम था, हुक का नियम।
हुक का नियम, ठीक, इसको अंग्रेजी में बेटा हुक्स लॉ लिखते हैं, ठीक है, हुक्स लॉ। अब देखो हुक का नियम हमारा क्या होता है ये हमें समझना है, अब बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको स्प्रिंग स्प्रिंग लेके समझा रहे थे, फिर से वही स्प्रिंग ही चलो हम ले लेते हैं कि मान लिया कि ये एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट के सहारे ये हमारी स्प्रिंग लटकी हुई है, इतनी इसकी लंबाई है। अब इस पर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने की वजह से क्या हो गया, ये फोर्स लगाया और इस फोर्स की वजह से स्प्रिंग की लंबाई में हमारा परिवर्तन हो गया। कितना लंबाई में परिवर्तन हो गया भाई, इतना परिवर्तन हो गया। मान लो ये लंबाई में परिवर्तन कितना है, एक्स है, ठीक है, एक्स लंबाई तक हमने इसको इलोंगेट कर दिया, खींच लिया, तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स किधर काम कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था, इधर नीचे की तरफ, इसी वजह से इसके आकार में परिवर्तन हुआ। जबकि स्प्रिंग पर ऑलरेडी ऊपर के डायरेक्शन में भी फोर्स काम कर रहा होगा कि नहीं काम कर रहा होगा, जो कि इसको क्या करेगा, वास्तविक स्थिति में यानी कि उसका जो रियल ओरिएंटेशन है यानी कि जो उसकी जितनी लंबाई थी जहां पर था उतने उस अवस्था में लाने का कोशिश करेगा। तो ये हमारा प्रत्यानयन बल हो गया, इसको चाहे तो एफ ई लिखो और इसको एफ ई एक्स टी, तो यानी इसके अगेंस्ट ये बल काम कर रहा कि जैसे ये वाला हटेगा ये एक्टिवली इसको इस स्थिति में लेके चला आएगा। तो समझो कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो इसमें विस्थापन हुआ है उसके कैसा है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्यों, क्योंकि जितना ये बल होगा उतना ही ये भी बल काम करेगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल काम करते हैं, ठीक है। तो अब समझना है यहां पर कि हुक साहब ने जो नियम बताया इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो वस्तु पर कार्यरत प्रत्यानयन बल होता है, क्या, वस्तु पर कार्यरत प्रत्यानयन बल, वस्तु पर कार्यरत प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल उसके आकार में हुए परिवर्तन के व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती होता है, उसके आकार में हुए परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बात समझ में आ गई, आपने कहा यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो देखो यानी कि भाई ये फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इधर, स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इधर, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे कि एफ अनुक्रमानुपाती माइनस एक्स, जैसे ही यहां पर अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं एक कॉन्स्टेंट आ जाता है इंटू एक्स, और इसको ये फार्मूला बन गया, ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया। और यहां पर जो के है बेटा, ये के स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, इस के को क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक, ये इसको स्प्रिंग का बल नियतांक भी कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं, स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग नियतांक के अलावा इसको स्प्रिंग का बल नियतांक भी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि हुक का नियम क्या है, कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल के विरुद्ध कार्यरत प्रत्यानयन बल उसमें हुए परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। चूंकि प्रत्यानयन बल का डायरेक्शन, दिशा, जो उसमें आकार में परिवर्तन है उसके विपरीत दिशा में होता है, इसी वजह से यहां पर यह माइनस साइन आता है। क्लियर हो गया हुक का नियम, चलो ये बात अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बेटा इस हुक के नियम के अलावा एक और नियम यहीं पर आ जाता है, ठीक है, ये जो हुक का नियम है ये एक अलग परसेप्शन है स्प्रिंग के केस में, लेकिन जब हम प्रत्यास्थता की बात करते हैं, ठीक है ना, तो प्रत्यास्थता के केस में इस हुक के नियम में एक और बदलाव है, क्या है, इसका टाइप टू समझिए, हुक लॉ का, हुक्स लॉ का टाइप टू समझिए। तो हुक्स लॉ का जो सेकेंड टर्म है वो ये कहता है कि भाई जो लगाया गया प्रतिबल है वस्तु पर, वो प्रतिबल वस्तु जो उसमें उत्पन्न विकृति होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहता है ये नियम, ये नियम कहता है, हुक्स का एक दूसरा अप्रोच है वो तो स्प्रिंग के लेके था, रॉबर्ट हुक का जो स्प्रिंग को लेके था रिस्टोरिंग फोर्स के टर्म में, और इलास्टिसिटी के टर्म में इसका एक दूसरा नियम क्या कहता है, वो ये कहता है बेटा कि जो लगाया गया प्रतिबल है, प्रतिबल वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल उसके में उत्पन्न हुए विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती,
विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे ही प्रतिबल लिखा इधर और ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाया तो इक्वल टू आता है और यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसको हमने ई लिख दिया और इधर हमने लिख दिया विकृति। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से हमारा ई बराबर क्या फार्मूला बना बचा, तो ई बराबर हमारा फार्मूला बना कि प्रतिबल बटे में विकृति। बना कि नहीं बना, बोलो जरा। आपने कहा यस सर, बन गया। तो देखो बाबू, ये जो ई आपको है अनुक्रमानुपाती नियतांक जो यहाँ पर आया, इसी अनुक्रमानुपाती नियतांक को, इसी ई को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, प्रत्यास्थता गुणांक। दिस इज प्रत्यास्थता गुणांक। और ये प्रत्यास्थता गुणांक कई तरह के होते हैं, ठीक। इसको हम लोग नॉर्मली ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब इसके टाइप के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो ये प्रत्यास्थता गुणांक हमारा तीन तरह का होता है। एक होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको वाई से लिखते हैं। एक होता है बल्क प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, जिसको बी से लिखते हैं। और इसको कप्पा जैसा सिंबल, एक के जैसा सिंबल भी बनता है, इससे भी लिखते हैं कप्पा, ठीक। और एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। तो ये प्रत्यास्थता गुणांक हमारे तीन तरीके के होते हैं और इन तीनों प्रत्यास्थता गुणांक को इसी फार्मूले से निकाला जाता है। इसके मात्रक की बात करें तो इसका तो कोई मात्रक नहीं होता विकृति का, और प्रतिबल का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रत्यास्थता गुणांक यानी ई का अगर मात्रक की बात करें, इसकी ई के मात्रक की अगर बात करें, तो प्रतिबल के मात्रक जितना ही होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस बारे में और इसकी डीप स्टडी अब हम लोग करेंगे अगले क्लास में। तो इस वीडियो पर आप लोग प्यार दिखाइएगा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सबसे विदा होना चाहते हैं, ठीक है बच्चों, और मुझे यकीन है कि आप लोग भर भर के प्यार दिखाएंगे, ठीक है। मैंने अपने चेहरे को इसलिए हाइड करके रखा, रीजन था क्योंकि चेहरा लाने पर ना थोड़ा कंटेंट के लिए स्पेस कम बचता है, तो इसीलिए हमने क्या किया कि अपने आप को हाइड कर लिया और उसके बाद आप लोगों को पढ़ा दिया। और अब दोबारा मैं आपके सामने आ गया अंत में। तो वीडियो के शुरू में हम आपको दिख जाएंगे, वीडियो के अंत में हम आपको दिख जाएंगे, लेकिन वीडियो के बीच में शायद हम आपको कभी कभी दिखें और कभी कभी ना दिखें, तो इसके लिए क्षमा। बाकी आप लोग प्यार दिखाइए। आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम की फिजिक्स हम ऐसे ही कंटिन्यू अपने चैनल पे प्रसारित करते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। आप लोग बस, आप लोगों के प्यार और स्नेह का आकांक्षी आपके अपने अंसारी सर, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।